देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित 200 साल पुराने पीपल के पेड़ को जीवित रहने के लिए इंसानों से मदद की दरकार है। दरअसल वृक्ष को वन विभाग निजी भूमि में होने के कारण काटने की मंजूरी देने जा रहा है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही पर्यावरण प्रेमियों ने इस वृक्ष को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। द अर्थ एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव संगठन की फाउंडर डॉक्टर आंचल शर्मा का कहना है कि उनके साथियों की तरफ से स्थानीय लोगों की मदद जुटाई जा रही है। मैम नाम बता दीजिए और जो संस्था का नाम है वो बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आंचल शर्मा है, द अर्थ एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव से हूँ और हम लोगों को फेसबुक पोस्ट से पता चला कि पीपल का पेड़ जो 200 साल पुराना है डिफेंस कॉलोनी देहरादून में, वो कटने वाला है। तो लेकिन हमने जिस तरीके से सब लोग मिल के, सारे लोग उधर के भी जो डिफेंस कॉलोनी के लोग, वो भी काफ़ी कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की और हमने बोला कि हमें 15-20 दिन का दिन दे दीजिए, हम ट्रांसप्लांट करा देंगे। साथ ही देहरादून प्रभागीय वन अधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी कहते हैं कि वृक्ष को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से आग्रह किया गया था, जिसे मान लिया गया है। हाँ, पीपल का एक पेड़ है डिफेंस कॉलोनी में, वो श्री नेगी जी हैं, वो उनका आवास का निर्माण हो रहा है, तो उन्हें अपना गेट खोलना है, तो उनके आवागमन के लिए शायद रास्ता उपलब्ध नहीं था, तो जिसके क्रम में पत्रावली आई और काफ़ी समय तक देखने उखने के पश्चात यह पाया गया कि उनको पेड़ के पातन की आवश्यकता है और उनके द्वारा बार बार विभिन्न स्तरों पर अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उन्हें पातन की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात जो है कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने मुझसे वार्ता की और उन्होंने अनुरोध किया कि साहब इसकी जो है इसको ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, शिफ्टिंग कर दी जाए इसकी। उसके लिए फिर साउथ इंडिया में एक टीम है जो ऐसे बड़े वृक्षों के ट्रांसप्लांट करती है, तो उससे वार्ता हुई और उसके लिए कुछ धनराशि की भी आवश्यकता है, तो उन पर्यावरण प्रेमियों ने कुछ समय मांगा कि साहब आप अगर इसे पातन की अनुमति को कुछ समय के लिए रोक दें तो उसको ट्रांसप्लांट की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। तो उसके क्रम में मेरे द्वारा नेगी जी से वार्ता की गई और उनकी सहमति के उपरांत उनसे ये कहा गया कि कुछ समय के लिए पातन न करें और एक अवसर दिया जाए ताकि अगर हम इस पुराने वृक्ष को पीपल के बचा सकें तो वो सबके हित में होगा। तो नेगी जी भी उस बात पर सहमत हुए और तत्पश्चात अभी कुछ समय के लिए उस पातन को रोका गया। फिलहाल जिस पीपल के पेड़ के ट्रांसप्लांटेशन की बात की जा रही है, उसका अपना एक धार्मिक महत्व भी है। इस वृक्ष की सालों साल से स्थानीय लोग पूजा करते हैं और धार्मिक कर्मकांड का निर्वहन भी करते हैं। धार्मिक रूप से माना जाता है कि पीपल का वृक्ष बेहद शुद्ध और पूजनीय होता है। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो पर्यावरण और इंसानों समेत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष श्रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।